वाराणसी थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। ऐसे में ठगने और लूटने का भी काम अब लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। ऐसा ही एक प्रकरण 11 अप्रैल को नगर के बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां पर एक वृद्ध महिला के सोने के जेवरात अज्ञात महिला ने बात करते हुए ही लूटकर फरार हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता कंचनापति परमानंद चौहान उम्र 63 वर्ष कच्चेखनी निवासी अपना इलाज करवाने के लिए अपनी बेटी अंजू गढ़पाल के घर ग्राम उमरी थाना कटंगी गई हुई थी, जहां उपचार कराने के बाद वह अकेले ही अपने घर जाने के लिए बेटी के घर से निकली, जो बस के माध्यम से वाराणसी पहुंची। इस दौरान बस में एक अज्ञात महिला उसके पास आकर बैठ गई और स्वयं से होकर बात करने लगी। इस बीच महिला के पति लड़के और बहू के बारे में विभिन्न तरह से बात करने लगी। इस बीच दोनों वाराणसी बस स्टैंड में उतरे और नाश्ता करने के बाद पीड़ित महिला कचेगनी जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तो उसके पास में उक्त अज्ञात महिला बैठी रही, जिससे उसे कहा कि मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूं, तुम्हें कोरोना वायरस में 3 लाख रुपये मिला है या यदि नहीं मिला है तो वह उसे दिला देगी, उसके लिए 8,000 रुपये उसे देने होंगे। वहीं मोबाइल निकालकर पीड़िता को कहा कि तुम्हारी बहू ने कहा है कि मेरे सास से ले लेना। फिर उक्त महिला पीड़िता के गहनों को हाथ लगाने लगी। इसी बीच पीड़िता के पूरे गहने उतार कर वह फरार हो गई, जिसके थोड़ी देर बाद पीड़िता को समझ आया कि उसके गहने गायब हो गए, जिस पर उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। उक्त महिला को पूरे बस स्टैंड में ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली, जिसके बाद वाराणसी थाने आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं इसकी जानकारी लगते ही पीड़िता की बेटी भी मौके पर पहुंची और इस मामले की जानकारी को लेकर वह अपनी माँ को लेकर गाँव चले गई। क्या हो गया आपके साथ? मेरे साथ में वो पूरा मेरा जेवर निकाल ली उसने और अपने हाथ से निकाली, मेरे को इसी लालच दी, तेरे को कोरोना हुआ था तो 3 लाख रुपये मांग रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो घर में 3 दिन हो गए तो कार्रवाई करने के लिए तू गांव गई तो वो देख रहे हैं, तो तेरे बहू ने ऐसी बोली कि मेरी सास दिखेगी तो वाराणसी में कार्रवाई कर ले। हाँ ऐसी बोली, मेरे पास पैसा नहीं है तो तेरे बहू ने ऐसी बोली कि जेवर उसका गिरो रखना और फिर तुरंत पैसा निकलेगा तो तू छुड़ा लेना, तो उसने मेरा जेवर निकाल निकाल की और गई आई। तो आपने रोके नहीं उसको जेवर निकालते समय? नहीं, उसने मेरे को लालच बताई भैया, घर का पूरा परिचय बताई, मैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हूँ बोले, मैं ऐसे ही काम में फिरती हूँ। कहाँ से आ रही थी आपके साथ? वो कटंगी, वो बोली जिला सिवनी से बोली आती बोली। और ये करीब कितने बजे की घटना? ये 3 बजे की घटना है। तो फिर आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी? मैंने गई थी पुलिस के साथ, पुलिस बोलती है क्या करेंगी हम, क्या करेंगे अपने दिए मैं क्या करूँगा बोलते बोलते। तो वो औरत आपके जेवर लेके कहाँ गई? बोले वो गिरो रखने में जाती हूँ बोले, और बोले वो ऑफिस में देंगे कार्रवाई करती हूँ। क्या घटनाक्रम हो गया आपके पास में? मेरी मम्मी मेरे गांव आई थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे गांव आई थी कटंगी से दवा की, फिर उसको आराम थोड़ा सा हुआ तो बोले कि मैं अपने घर चले जाती हूँ अब करके, तो मैंने बस पे बैठा दी वो आ गई यहाँ तक। अब हमने सोचे कि हर बार तो आना जाना करती है तो ये चले जाएगी, तो इसलिए बैठा दिए हमने, तो यहाँ आके रास्ते में ये घटना हो गई उसके साथ। क्या थी घटना? पूरी गले का भी निकाल लिए, कान का भी कहाँ पे? यही बस स्टॉप में निकाल लिए। क्या चाहते हैं आप? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कैमरा रहता चालू तो पता चल जाता कि कौन लेडीज है क्या है। कैमरा लगना चाहिए? कैमरा तो लगना चाहिए। और इसके पहले भी ऐसी वारदातें हुई है बताए क्या कोई ने? हाँ ऐसी वारदातें हुई है, बोलते किसी के पर्स टापना, किसी का कुछ सामान करना। करीब कितने की तोले का सोना रहा, कितने की तोला सोना रहा होगा? मैंने वो अभी 5-6 साल पहले भैया कान के खरीदे थे 20,000 के हुए थे, गले का था, अभी तो महंगा सोना है तो वो तो गले की पूरी पीली काटी थी। करीब आपको बता दें कि वाराणसी बस स्टैंड में इस प्रकार से जेवरात लूटकर भागने का, चोरी करने का या किसी को ठगने का यह पहला मामला नहीं, इसके पूर्व में विभिन्न मामले घटित हो चुके हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा वर्तमान तक एक भी प्रकरण का खुलासा नहीं किया गया और न ही इस ओर कोई सार्थक कदम उठाए भी जा रहे हैं, जिससे ठगने वाले और लूटने वाले लोग की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर देख रहे हैं कि किस तरह से वे लूट के इस प्रकरणों पर अंकुश लगाते हैं।